ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन मास जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, और इस पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से, उनकी भक्ति करने से, भगवान भोलेनाथ के मंत्र जाप करने से और जलाभिषेक करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों के मन में जो भी कामना हो, अगर इस पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ की वो विधिवत पूजा आराधना करते हैं तो इतने मात्र से ही उनकी जो कामना है भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। तो सावन मास भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, और अब ये प्रिय मास बीतने को है क्योंकि 22 अगस्त को रक्षाबंधन है, श्रावणी पूर्णिमा है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन सावन मास का समापन हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ पूर्णिमा तिथि है पूजा आराधना के लिए, और पूर्णिमा तिथि जैसा कि नाम से ही पता चलता है मन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली तिथि होती है। तो आपकी कोई भी कामना हो, अगर आप श्रावणी पूर्णिमा पर भगवान शिव की पूजा आराधना विधि विधान से करते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। और इसके अलावा वर्ष भर भगवान भोलेनाथ की जो कृपा है वो हमारे ऊपर बरसती रहती है। तो अगर आपने इस पूरे महीने में भगवान शिव की आराधना की है, भक्ति की है, मंत्र जप किए हैं, दीपदान किया है, जलाभिषेक किया है, तो आपको पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन अवश्य करना चाहिए ताकि सावन मास का जो समापन हो वो एक अच्छे तरीके से हो, विधिवत तरीके से हो, और इस श्रावण मास की पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। और जिन लोगों ने इस पूरे मास में किसी भी प्रकार से कोई पूजा आराधना नहीं की है, किसी भी वजह से अगर आपकी पूजा पूरी नहीं हो पाई है, अधूरी रह गई है, या फिर बिल्कुल भी आप पूजा नहीं कर पाए हैं, तो पूर्णिमा तिथि सर्वश्रेष्ठ तिथि है जब आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके, पूजा आराधना करके इस पूरे मास की पूजा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा आज करने से आपको वर्ष भर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, आज हमें किस प्रकार पूर्ण हो, इसके लिए आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ आपको, सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आप पूरे सच्चे मन से अगर आज के दिन इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे तो आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो, भगवान भोलेनाथ इसे अवश्य पूर्ण करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से हमें पूर्णिमा तिथि पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि आज के दिन यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा तिथि सामान्य नहीं है, बहुत विशेष है इस बार की पूर्णिमा तिथि, क्योंकि 50 वर्षों के बाद इस प्रकार के शुभ योग आज के दिन यानी कि 22 अगस्त को लग रहे हैं। इससे पहले ये शुभ योग 1981 में लगे थे, और इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है 21 अगस्त की शाम को शुरू होगी 7:02 से, और समाप्त हो रही है 22 अगस्त की शाम को 5:33 पर। 22 अगस्त को जो शुभ योग लग रहे हैं वो है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला योग होता है और सभी कार्यों में सिद्धि दिलाने वाला योग होता है। कल्याणक योग लग रहा है, महामंगल और प्रीति योग, ये चारों इतने शुभ योग आज के दिन लग रहे हैं कि अगर आप आज कोई भी पूजा आराधना करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना भी पूर्ण होगी और आपका जो उपाय होता है, जो पूजा होती है, शीघ्र ही फलीभूत हो जाती है। भगवान शिव की कृपा पूरे वर्ष आपको प्राप्त होती रहेगी। इस शुभ योग में की गई जो पूजा आराधना होती है उसका फल हमें कई गुना प्राप्त हो जाता है। तो बहुत शुभ योग है 22 अगस्त के दिन, और आपको बिल्कुल भी आज का दिन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हाँ, आज रक्षाबंधन है, मैं भी जानती हूँ कि हम सब थोड़ा व्यस्त रहेंगे और राखी के पर्व को मनाने के लिए, जो कि साल का एक त्यौहार होता है, बहुत ही पावन त्यौहार होता है, तो इसे तो हम मनाएंगे ही, लेकिन इससे पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना हमें ज़रूर करनी है। सुबह थोड़ा जल्दी उठकर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर लीजिए, जिससे कि पूरे दिन आप त्यौहार भी मना पाएं और आपको इस पूरे सावन मास के पुण्य का फल भी प्राप्त हो जाए। तो सुबह जल्दी उठना है और उसके बाद स्नान इत्यादि करके भगवान शिव का अभिषेक करना है। अभिषेक के लिए आज हमें कौन सी चीज़ चाहिए, देखिए पूरे सावन मास हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध थी, कुछ चीज़ें नहीं थी, हमने कैसे भी पूजा की, लेकिन सावन का अंतिम दिन है, हमें प्रयास करना चाहिए कि इस अंतिम दिन पर भगवान भोलेनाथ की जो प्रिय वस्तुएं हैं हम पूरी तरह से प्रयास करें कि सभी चीज़ें उपलब्ध हो पाएं। ना हो पाएं अगर उपलब्ध कोई चीज़ तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास जरूर करना है हर चीज़ हमें प्राप्त हो जाए।
तो अभिषेक के लिए आपको आज पंचामृत लेना चाहिए। पंचामृत ही क्यों, जैसे कि कच्चे दूध से कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं, या फिर गन्ने के रस से कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पंचामृत एकमात्र ऐसा द्रव्य है जिसको अर्पित करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजों की प्राप्ति हो जाती है अगर आप पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। तो ये पांच अमृत बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, तो इनके द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आज जरूर करना चाहिए, और आज गंगाजल भी जरूर होना चाहिए भगवान शिव के अभिषेक करने के समय। तो जब पंचामृत से अभिषेक करेंगे उसके बाद गंगा जल से, शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। और हाँ, पंचामृत अर्पित करने से पहले भी जल चढ़ाना है, उसके बाद ही पंचामृत अर्पित करना है। अभिषेक की विधि मैंने पहले भी आप लोगों को बताई हुई है, और धूप दीप अक्षत, जो कि बिल्कुल भी चावल के टूटे हुए दाने ना हो, ऐसे अक्षत आपको लेने हैं। हो सके तो एक मुट्ठी अक्षत ले लीजिए, मतलब अपने दाहिने हाथ में चावल भरकर देख लीजिए, एक मुट्ठी चावल वो अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कुछ दाने भी ले सकते हैं, या फिर संभव हो तो 108 दाने गिनकर ले लीजिए। मतलब थोड़ा सा आपको मेहनत आज ही कर लेना है कल की पूजा के लिए। बिल्व पत्र चाहिए तो जितनी उपलब्ध हो पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज के दिन अगर 108 बिल्व पत्र चढ़ाया जाए तो सर्वश्रेष्ठ होगा। सावन मास के समापन का दिन है, 108 बिल्व पत्र मिल जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ, ना मिल पाए तो जितने भी बिल्व पत्र हो, 21 मिल जाए आपको, 51 मिल जाए, 11 मिल जाए, जितनी संख्या में आपको बिल्व पत्र उपलब्ध हो पाते हैं, अधिक से अधिक संख्या में आज आपको बिल्व पत्र अर्पित करना है। जनेऊ जरूर चाहिए आज भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए, यज्ञोपवीत भी जिसे कहा जाता है, और भस्म चाहिए जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, चंदन सफेद चंदन चाहिए, भांग धतूरा आंकड़े के पुष्प, आंकड़े के पुष्पों की माला ले लीजिए, सफेद पुष्प ले लीजिए अगर आपको आंकड़े के पुष्प नहीं मिल जाते हैं, कोई भी सफेद पुष्प भगवान शिव को अर्पित करने के लिए जरूर रखिए, चमेली के पुष्प भी ले सकते हैं आप। इस प्रकार से सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय है वो रखनी है। इसके साथ ही आपको लेना है 21 गुलाब के फूल, 21 गुलाब के फूल जो कि भगवान शिव को अर्पित किए जाएंगे जब आप पूजा करेंगे, तो पुष्पांजलि स्वरूप आप इसे अर्पित करेंगे, जिससे कि आपके मन की चाहे जो भी कामना हो, चाहे धन की कामना हो, संतान की कामना हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने की कामना हो, या फिर शीघ्र विवाह की कामना हो, मन चाहे जीवन साथी की कामना हो, या व्यापार में नौकरी में सफलता की कामना हो, जीवन में समस्त क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज के दिन 21 गुलाब के फूल भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। और आज शिव मंदिर जरूर जाएं, शिव मंदिर जाके, शिवालय जाके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इन्हें सभी प्रिय वस्तुएं आपको अर्पित करनी है, धूप दीप अक्षत बिलोपत्र जनेऊ भस्म चंदन भांग धतूरा, सभी चीजें जितनी आपसे उपलब्ध हो कोशिश करें हर चीज भगवान भोलेनाथ को आप आज अर्पित कर पाएं। आंकड़े के पुष्प मिल जाएं या फिर आंकड़े के पुष्पों की माला मिल जाए, अत्यंत श्रेष्ठ जरूर अर्पित कीजिए। और इसके साथ ही आज आपको क्या करना है, भस्म और चंदन से त्रिपुंड भी बनाना है। चंदन से अपनी तीन उंगलियों में चंदन डुबोकर और त्रिपुंड बनाया जाता है भगवान भोलेनाथ को। त्रिपुंड अगर आप आज के दिन 3 बार 11 बार 21 बार अगर त्रिपुंड भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर पाते हैं, निकाल पाते हैं, जैसे कि शिवलिंग पर ही तीनों उंगलियों द्वारा त्रिपुंड बनाया जाता है, अगर आप इस प्रकार से 21 बार शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं, उसके बाद अपनी कामना कहते हैं, विश्वास कीजिए आपकी वो कामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। श्रावणी पूर्णिमा मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि होती है, तो बिल्कुल भी आप मन में किसी प्रकार का संशय ना रखें। तो सफेद चंदन द्वारा आपको त्रिपुंड जरूर बनाना है, ये आप देख लीजिए, आप एक बार भी बना सकते हैं, चाहे तो अधिक से अधिक बार भगवान शिव को त्रिपुंड बना सकते हैं। इसके साथ ही भस्म जरूर अर्पित करें भगवान भोलेनाथ को, और सब पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है तो गुलाब के एक एक पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। मंत्र क्या होगा, देखिए मंत्र तो अगर आप शिव तांडव स्तोत्र पढ़ें तो बहुत श्रेष्ठ होगा, या शिव महिमन स्तोत्र पढ़ें तो बहुत श्रेष्ठ होगा, लेकिन इतने बड़े मंत्र अगर आपको याद नहीं है, उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र जो कि शिव पुराण में सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है कि इस मंत्र के द्वारा सर्व कार्य सिद्धि हो जाते हैं, तो पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप बोलते हुए हर फूल को अर्पित करें। उसके बाद आखिरी जब पुष्प आपके हाथ में बच जाता है, उस पुष्प में आपको थोड़ा सा अक्षत लेना है और एक बिल्व पत्र लेना है, और इसके साथ ही आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है, या फिर 5 का या 10 का सिक्का भी ले सकते हैं अगर 1 का सिक्का ना हो तो। और इस प्रकार से अंतिम पुष्प पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना कह के मन ही मन, उसके बाद शिवलिंग पर ये जो हाथ में सामग्री है आपके, वो सभी सामग्री छोड़ दीजिए, भगवान शिव की आरती कीजिए, शुद्ध घी का दीपक वहां प्रज्वलित कीजिए, कपूर से भगवान शिव की आरती कीजिए विधिवत। उसके बाद
शिव मंदिर में ही थोड़े समय बैठकर आपको भगवान शिव के मंत्र का जप करना है। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, चाहे पंचाक्षरी मंत्र जप सकते हैं या फिर कोई स्तोत्र आप पढ़ना चाहते हैं तो बैठकर स्तोत्र पढ़ना चाहिए। थोड़े समय शिव मंदिर में बैठकर भगवान शिव से अपनी प्रार्थना जरूर कहनी चाहिए जब हम पूजा करते हैं तो, और पूजा करने के बाद जब आप अपनी प्रार्थना कहेंगे, अपनी कामना कहेंगे, अपनी समस्याएं भगवान भोलेनाथ को कहेंगे और फिर भगवान भोलेनाथ से उन्हें पूर्ण करने के लिए आप पूरे मन से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ मेरे मन की ये कामना है। आप कोई भी कामना कह सकते हैं इस पूजा के बाद, क्योंकि इतनी विधिवत आपने पूजा की है भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी कोई भी कामना होगी वो पूर्ण करेंगे। तो आपके मन की चाहे जो भी कामना हो भगवान शिव से, माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन में ये कामना है और शीघ्र ही उसे पूर्ण करें, आपकी समस्याएँ दूर करें। सावन का अंतिम दिन है ये, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि जो कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पूरे वर्ष भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो आज का दिन आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आपको समय जरूर निकालना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।